भागलपुर के नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप है कि मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मौत होने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि मशीन लगाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, 15,000 रुपया लगेगा। इसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जोगसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच किसी तरह सुलह करवाया, लेकिन मरीज के परिजन बार बार कहते रहे कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत है, पैसे के लिए डॉक्टर ने मार डाला। इधर मामले को कवर कर रहे रिपोर्टर से भी डॉक्टर ने बदसलूकी की, खबर कवरेज करने से रोका गया। रिपोर्टर हंगामा की सूचना पर खबर कवरेज करने के लिए के नर्सिंग होम पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर ने पत्रकार से बदसलूकी की। बता दें, बांका के बेलहर निवासी हार्ट के पेशेंट 30 वर्षीय फूलन देवी मंगलवार की दोपहर नर्सिंग होम में एडमिट हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर को 30,000 दिए, 17,000 और मांग रहे थे। मृतिका के भाई मनीष ने कहा कि इस बीच किसी काम के लिए हम बाहर आ गए। जब मरीज के पास पहुंचे, उसे पानी पिलाया तो उसकी स्थिति गंभीर होने लगी, उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर की लापरवाही से हमारी बहन की मौत हो गई है। मृतक के भाई ने बताया कि पैसे के लिए डॉक्टरों ने बहन को जान से मार डाला। मरीज से परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। नर्स ने धक्का मुक्की की, मारपीट पर उतारू हो गए। सबको ले जाने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर किसी तरह मैनेज किया और परिजन सबको घर बेलहर लेकर चले गए। घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। भागलपुर में 5 दिन से लापता युवक की लाश बाईपास थाना क्षेत्र के खिर्री बांध स्थित मुखेरिया तालाब से बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने बाईपास पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बाईपास पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद आनंद फानन में घटना स्थल पर परिजन पहुंचे। मरने वाले की पहचान कोहली खुटा निवासी धर्मचंद्र भारती के पुत्र 14 वर्षीय मणिराज कुमार यादव के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक मणिराज 9वीं कक्षा का छात्र है। स्कूल में ही एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी। 24 मई को मणिराज और उस लड़की की बातचीत करते हुए किसी लड़के ने वीडियो बनाकर लड़की के पिता को भेज दिया था, जिसके बाद लड़की के पिता ने मृतक मणिराज के गांव वालों को समझा बुझा देने की बात कही थी। इसके बाद से लगातार मृतक के मोबाइल पर मणिराज के दोस्त कॉल कर उसे बुला भी रहे थे। 25 मई को अपने मोबाइल घर में रखकर दोस्त के कहने पर घर से निकला था, मगर देर शाम वो वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चला। जिसके बाद परिजन बाईपास पुलिस से लिखित शिकायत करने पहुंचे, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। परिजनों ने आगे बताया कि पुलिस ने अगर समय रहते एक्शन लिया होता तो आज घटना नहीं होती। मृतक के भाई ने बताया कि निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर सबको तालाब में फेंक दिया गया है। घटना के बाद परिजन धरना पर बैठ गए हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिले के आधा दर्जन से अधिक थाने के पुलिस, सदर SDM, विधि व्यवस्था, DSP व अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग को जमकर प्रदर्शन किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि लड़की के पिता, नाना और मणिराज के तीनों दोस्तों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मामले को लेकर सदर SDM धनंजय कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि मुखेरिया तालाब में एक युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों के द्वारा पहचान करा ली गई है। परिजन भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी हत्या कर सबको तालाब में फेंक दिया गया है। पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। अगले 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना में 5 दिन से कंटिन्यू जा रहे हैं, रोज डांट कर के, वो आ जाएगा 5 दिन में। लगता है इनको कोई जानकारी था, कमाने गया है, वो आ जाएगा। लड़की वाला का हाथ नहीं है, इससे स्पष्ट है कि लड़की वाला से उन्होंने पैसा लिया हो, चाहे जो भी है। मैटर है कि एक इनकी बैचमेट है, 9th क्लास में संतरेसा में ये पढ़ता है, उसी का निधि कुमारी नाम है, उसका पिता नाम राकेश यादव है। वो प्रेम दोस्ती है उन लोगों का, कहीं खड़ा होकर अपना कुछ बात कर रहा होगा, किसी ने वीडियो बना के, बच्चा ही वीडियो बनाया क्योंकि उसमें हंसने का आवाज है, वो क्लिप को कहीं वायरल किया, चाहे उसके पिताजी के पास कैसे भी पहुंचा हो। ठीक है, कहने पर इसको बराबर फोन टॉर्चर करके कि तुम आओ, जबकि ये बार बार रिकॉर्डिंग में बोल रहा है मेरी मम्मी मना किए हम नहीं जाएंगे। इतना शाम हो गया, 7-8 बजे तो कहीं जाता नहीं है, तो खोजना चालू किए कि मिली भगत से कोई बाहरी टीम आया और इसको ऐसा घटना का अंजाम दिया है। इसलिए मैं पूरे टीम को चाहता हूं कि प्रशासन इसको तुरंत गिरफ्तार करे अविलंब, ये 9 से 10 बजे तक, और प्रभारी सूरज कुमार वैभव को अभी का अभी बर्खास्त कर दिया जाए। आए बाईपास थाना TOP का, उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि वो बार बार किसी को भी मार गाली गलौज क्यों करता है जाने के बाद।
भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र में जदयू जिला सचिव के भाई की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गई। किशनपुर पंचायत के भवनाथपुर सड़क से 200 मीटर की दूरी से एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव की पहचान किशनपुर पंचायत के रहने वाले मनीष राय के 23 वर्षीय पुत्र अवनीश कांत राय के रूप में हुआ है। अज्ञात अपराधियों के द्वारा सर में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अकबरनगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हम सुबह निकल गए, उसके बाद सूचना मिला के तो पूर्व में किसी तरह का कोई धमकी वगैरह मिल रहा था क्या आपको? पूर्व में एक केस किया था, गैजोरा लिया है, कर दिया है। हमको बार बार कहता था कि देखो बाबा के नाम से है, हमरे हिसाब है, हमको सही कर दो। हमको कहता था सही कर दो, सही कर दो। हम बोले कि सही क्यों करेंगे हम, यही सब मैटर से लेकर के बहुत बार सोच रहा था कि इसको जड़ से सबको बचा उचा को मारने के लिए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड स्थित भवानीपुर देसी पंचायत के हड़वा गांव के वार्ड नंबर 2 में हरी मंडल के खेत से चांदन नदी तक सरकारी फतेहपुर डांड है। इस डांड को अभी आप नाला कह सकते हैं। इस सरकारी नाले पर हड़वा गांव निवासी सुरेंद्र प्रताप सिंह पिता स्वर्गीय कुलदीप मंडल द्वारा अतिक्रमण कर नाले के ऊपर घर, मील और बजरंग बली का मंदिर बना दिया गया है, जिससे कि डांड खुदाई का कार्य बाधित होता है। साथ ही बरसात के समय जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में इसकी अतिक्रमण से लगभग 50 से 60 घर के लोग प्रभावित हैं। साथ ही नाले के पानी निकासी में भी काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों की शिकायत पर स्थल निरीक्षण करने राष्ट्रीय मानवाधिकार व RTI जागरूकता संगठन भारत की रोजगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार सिंह पहुंचे और ग्रामीणों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। हालांकि अंचल अमीन ने पूर्व में भी स्थलीय जाँच किया था और नियमानुसार अतिक्रमण पाया गया, परन्तु अभी तक अंचलाधिकारी द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, न ही अतिक्रमण मुक्त किया गया है। बजरंग बली यार बार बार झंझट करता है, हम लोग चंदा दे करके पुल बनवा उससे हम मार करने पर तैयार हैं। हम लोग कितना मार करेंगे सर, गांव का आदमी नाला निकास है, आदमी बात बात करता है, आगे उधर पानी रोड पर जाम कर देता है, हम लोग कितना सर मार। भर के अतिक्रमण किया गया, उस पर शेड बनाया गया है, गैरेज बनाया गया है, मिल बनाया गया है, साथ में बजरंग बली भी बना दिया जी, जिसके चलते हमारा 75% गाँव का पानी रुका हुआ है और बारिश में तो बहुत जल जमाव की समस्या है, सारा फसल बर्बाद हुआ है, बीमारी होने की संभावना है, इसलिए इसको अतिक्रमण मुक्त। आवेदन हम लोगों को मिला था पूरे गांव की तरफ से जी, कि यहां पर एक सरकारी नाला है, नहर है, जिससे कि पूरे गांव के पानी निकासी होती है,
उस पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, मंदिर बना दिया है, शेड बना दिया है, गैरेज बना दिया है, मिल बना दिया है, जिस कारण से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो उसी की जांच करने के लिए हम आए हुए थे, देखने के लिए क्या इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। इन लोगों ने इसको लेकर सीओ को आवेदन भी दिया था, जिसके सीओ के आदेश पर राजस्व कर्मचारी ने आकर के यहाँ पर अपना जाँच भी किया है, और जो रिपोर्ट बनाया उस रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि अतिक्रमण पाया गया है। ठीक है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर के रेलवे स्टेशन परिसर के यार्ड में रेलवे डब्बे की सफाई करने के दौरान कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक कर्मचारी की पहचान मिर्जान हाट सरमसपुर के रहने वाले भारत के सिंह के रूप में हुई है। कर्मचारी की मौत के बाद सभी सफाई कर्मी एकजुट होकर मृतक के परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में विरोध व प्रदर्शन किया। करंट लगने से मर गया जो कि वनांचल में काम कर रहे थे, जो है कटा हुआ। हम लोग को मालूम पड़ा, किसी और ने बताया, जो कि हम लोग दौड़े आए तब उसको उठा करके रेलवे हॉस्पिटल ले गए।